हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज नूडल्स, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं और बड़ों और बच्चों सबको पसंद आते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वेज नूडल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, और उसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी यहाँ पे मैंने 1 लीटर लिया है। तो पानी के अंदर हम ऐड कर देते हैं नमक और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हम इसके अंदर इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो नूडल्स हैं वो आपस में चिपक नहीं जाए। तो पानी अब हमारा अच्छे से बॉईल होने लगा है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे नूडल्स। और अब हम यहाँ पे नूडल्स को छोड़ देते हैं अच्छे से बॉईल होने के लिए, ताकि अच्छे से नूडल्स बॉईल हो जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे नूडल्स अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो हम इस नूडल्स को 80% ही कुक करेंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो अब हम इस नूडल्स को एक स्ट्रेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने नूडल्स को एक स्ट्रेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, और आप देख सकते हो नूडल्स बिल्कुल भी स्टिकी भी नहीं है और चिपके भी नहीं हैं। तो ये नूडल्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। नूडल्स को हम साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है, अगर आप चाहे तो बटर या कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक और ग्रीन चिली। इसको थोड़ा सा अच्छे से पकाने के बाद में हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं पत्ता गोभी, और इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज को भी हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा गाजर। अब इन सबको थोड़े से 2 मिनट के लिए अच्छे से हम कुक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अच्छे से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है, और हम इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्ची। यहाँ पे शिमला मिर्ची मैंने 2 प्रकार की ली है, अगर आपके पास में कोई एक है तो आप एक ही यूज़ करें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। हमने इसको अच्छे से अब कुक कर लिया है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप कॉर्न। अगर आपके पास में है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे सॉस। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, और 1 टेबलस्पून टमेटो केचप। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेंगे। अब यह अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 स्पून विनीगर, 1/2 स्पून नमक। नमक हम यहाँ पे कम डालेंगे, क्योंकि हमने जब नूडल्स को बॉईल किए थे तो हमने नमक डाला था। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं नूडल्स, और नूडल्स ऐड करने के बाद में गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे। अब नूडल्स को हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। नूडल्स ऐड करने के बाद में हम नूडल्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। नूडल्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसको ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इस नूडल्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। Thank you.
फाइनली अब हमारे वेज नूडल्स बनके रेडी है। तो अब हम इसको एक प्लेट के अंदर सर्व कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और आप इसको कभी भी किसी भी टाइम पे बना सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।